बेतिया के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रविवार को समीक्षा बैठक की। देवरिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 62वें अधिवेशन में भाग लेने के बाद वह मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने एबीवीपी के अधिवेशन में आए विद्यार्थियों से अध्ययन मन से करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी सोच का नागरिक बनाने का कार्य कर रही है। विद्यार्थी परिषद की पूर्वांचल में सदस्य संख्या 10 लाख से ऊपर है और 2023 में यह संख्या 15 लाख से अधिक होनी चाहिए और अध्ययन के साथ रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने में विद्यार्थी परिषद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मेडिकल के प्रिंसिपल जनप्रतिनिधि और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीएम साहब एसपी साहब बैठ करके कोविड के लिए जो दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं उसको अच्छर सा पालन करने के लिए मंगलवार को मॉक ड्रिल है उसके बारे में और अन्य संसाधन को जुटाने के बारे में कहा है। जो भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं हमारे वेंटिलेटर्स हैं उच्च दुरुस्त रहे और कोविड की दवाइयां रहे और बेड हमें रिजर्व करके रखना है। हमें तैयारी पूरी रखनी है। समाज की सभी समस्याओं को लेकर के भारत माता को राष्ट्र को किस ढंग से मजबूत किया जा सकता है यदि किसी से सीखना है तो हमें एबीवीपी से सीखना होगा। मैं एबीवीपी के सभी साथियों को मित्रों को इतने बड़े अधिवेशन में मुझे आमंत्रित करने के लिए आभार प्रकट करता हूं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अपने मित्रों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं हमारी सरकार पूरे तन मन से उनके साथ खड़ी है और मैं व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैं स्टूडेंट लीडर हूं समस्याएं अच्छी तरह जानता हूं। हर स्थिति में नौजवानों की समस्याओं को हल करना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।